अगर आप इसका नियमित सेवन करते हो तो आप किसी भी प्रकार की पारिवारिक सुख से वंचित नहीं रहोगे। आपकी स्तंभन शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी पौरुष तत्व बढ़ जाएगी, आपकी शारीरिक क्षीणता दूर होगी, आपकी शारीरिक कमजोरी दूर होगी, आपकी मनोबल बढ़ेगा, आपकी वीर्य बढ़ेगी, आपकी ताकत बढ़ेगी, आपको एक नई ऊर्जा की अनुभूति होगी। तो आप बिल्कुल इसका भी इस्तेमाल करके खुद अनुभव कर सकते हो। आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक खास फूल का पौधा, जिसको आप सब लोग जानते हैं और पहचानते हैं और दिल से मानते भी हैं, लेकिन शायद कोई कोई इसके फायदे के रहस्य के बारे में जानता होगा। तो आज मैं उसी के रहस्य को उजागर करने के लिए, उसी के अद्भुत फायदे के लाभ पहुँचाने के लिए आपको यह वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आप बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। मैं आज जिस पौधे की बात कर रहा हूँ उस पौधे का नाम है मैरीगोल्ड, यानी कि गेंदा का फूल। तो आप सभी लोग तो जानते ही होंगे गेंदा का फूल के बारे में, और आप सबके घर में भी शायद प्राय प्राय होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के लोगों के घरों में आंगन में यह ज़्यादा पाया जाता है और इसको लगाते हैं अपने घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो आप इसको भली भांति इससे परिचित होंगे, इससे परिचय कराने की मुझे ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो मैं आज आप लोगों को इसके फायदे के बारे में आपको चलिए बताता हूँ। दोस्तों, अगर आपको कभी भी आँखों में जलन रहती है, आँखें आपकी लाल रहती है, तो आँखों की इन समस्या को दूर करने के लिए आप इन गेंदा के पत्तियों को पीस करके उसकी लुगदी बना लीजिए। उस लुगदी को रुई में लपेट करके उसको आँखों में पट्टी बांध लीजिए। आँखों में पट्टी बांधने से 5-10 मिनट बंधा रहने दीजिए। उसके बाद दोस्तों ऐसा ही हर रोज़ कीजिए, आपको 2-3 दिनों में आँखों की जो भी समस्या रहेगी, आँखें लाल रहेगी, आँखों में तकलीफ़ रहती है, दर्द रहती है, ये सारी समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों यह बहुत ही अचूक प्रयोग है, इसको आप ज़रूर करके देखना अगर आपको कभी भी ये समस्या हो जाती है तो। दोस्तों अगर आपके कानों में कभी तकलीफ़ होता है, कानों से पस या पीप मवाद बाहर निकलता है या बहता है, इससे मुक्ति पाने के लिए गेंदा के कोमल कोमल पत्तों को पीस करके उनसे 4-5 बूंद कान में टपका देना। इसी तरह से आपको 3-4 दिन करना है, आपकी कान की जो भी समस्या रहेगी खत्म हो जाएगी। दोस्तों यह बहुत अच्छी औषधि है कानों के लिए, आप ज़रूर करके इसको भी देख सकते हो। दोस्तों अब अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बवासीर की तकलीफ हो तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, यह गेंदा का फूल ही आपको मदद करेगा। आप गेंदा के पत्ते जो होते हैं यह आपकी बहुत अच्छा बवासीर का दवाई है, इसको आप यूज़ कीजिए, आपको बहुत जल्द राहत मिलेगा बवासीर की तकलीफ़ों से। आप ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, आपको तली भुनी खट्टी चीज़ें खाना बंद कर देना होगा, आपकी जो आहार विहार है उसमें सुधार करना होगा। उसके बाद दोस्तों गेंदा की जो कोमल कोमल पत्तियां होती है उसको पीस करके उसमें कुछ मात्रा में मिश्री मिला करके रोज़ सुबह खाली पेट खाया कीजिए, और जो मस्से निकल आते हैं गुदा द्वार पे उस मस्सों पे इसके पेस्ट को लगाया कीजिए। देखना दोस्तों इससे आपको एक हफ्ता के अंदर आपके जो बवासीर रहेगा वह शांत हो जाएगा और पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो आप इसको भी बवासीर के में उपयोग कर सकते हो। दोस्तों अगर आप अपने किल मुहासे झुर्रियों दाग से परेशान हो, उसको आसान तरीके से मिटाना चाहते हो, बिना खर्च किए मिटाना चाहते हो, तो आपको अपने घर पे उगे हुए गेंदे के फूल और पत्तों से आसान तरीका और सरल तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। फ्री का मेडिसिन आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप इनके पत्तों और फूलों का उपयोग करके अपने मुहासे झुर्रियाँ दाग सबको मिटा सकते हो, चेहरे को साफ कांतिमय सुंदर बना सकते हो। दोस्तों तो आप इनके लिए दोस्तों इनके पत्तों और फूलों को एक साथ पीस करके उसका पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट तैयार करने के बाद अपने चेहरे पर रोज़ मसाज कीजिए और मलिए और उसको धो डालिए। इस तरह से हर दिन किया कीजिए, फेस वाश की तरह इसको यूज़ कीजिए। पेस्ट बना करके अपने चेहरे को हर दिन इसमें मसाज कर करके धोइए, फूल और पत्तों का पेस्ट बना करके। तो इससे दोस्तों देखना आपको कुछ ही दिनों में आपके चेहरे में फ़र्क पता चल जाएगा, आपको खुद ब खुद देखने को मिल जाएगा, आपकी चेहरे की रंगत बदलने लगेगी, आपकी चेहरे की रंगत चिकनाई युक्त साफ सुथरा और क्लीन दिखने लगेगा, आपके चेहरे से मुहासे झाइयाँ सब खत्म होने लगेगी धीरे धीरे। तो आप इन सब का इस्तेमाल करके आप आसानी से अपने चेहरे से झुर्रियाँ मुहासे हटा सकते हो।
यह बहुत अच्छी सस्ती मेडिसिन है और अपने घर पर ही उपलब्ध हो जाएगी आपको, वो भी फ्री में। तो आप बिल्कुल इसका भी इस्तेमाल करके देख सकते हो। दोस्तों अब मैं आप लोगों को गेंदा फूल के पीछे के जो बीज होता है उस बीज के अद्भुत फायदे के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। उस बीज को आप इकट्ठा कर लीजिए 20 ग्राम की मात्रा में करीबन। उसके बाद उसमें 50-60 ग्राम की मात्रा में मिश्री मिला करके उसका चूर्ण भी कर लीजिए। आप दोनों को एक साथ मिश्रण करके किसी डिब्बे में, कांच के डिब्बे में या फिर किसी अन्य डिब्बे में भर कर रख लीजिए। अब इस चूर्ण को प्रतिदिन आप एक एक चम्मच की मात्रा में 5 से 10 ग्राम दूध के साथ हर दिन सुबह शाम सेवन कीजिए। अगर आप इसका नियमित सेवन करते हो तो आप किसी भी प्रकार की पारिवारिक सुख से वंचित नहीं रहोगे। आपकी स्तंभन शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी पौरुष तत्व बढ़ जाएगी, आपकी शारीरिक क्षीणता दूर होगी, आपकी शारीरिक कमजोरी दूर होगी, आपकी मनोबल बढ़ेगा, आपकी वीर्य बढ़ेगी, आपकी ताकत बढ़ेगी, आपको एक नई ऊर्जा की अनुभूति होगी। तो आप बिल्कुल इसका भी इस्तेमाल करके खुद अनुभव कर सकते हो और खुद लाभ उठा सकते हो। दोस्तों यह बिल्कुल फ्री का मेडिसिन है, फ्री का दवाई है, किसी भी प्रकार की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपकी सेहत के लिए, आपकी भलाई के लिए हम हमेशा सोचते रहते हैं, हमेशा आगे रहते हैं, हमेशा आपके लिए इसी तरह की स्वास्थ्यवर्धक वीडियो लाते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए आप हमारे वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और इसके बाद मैं आप लोगों को इसके और फायदे आपको बता रहा हूँ जो कि स्त्रियों के लिए है। जिन औरतों के स्तनों में गांठ है और दर्द है तो वहाँ पे यदि इन गेंदा के पत्तियों को पीस करके लुगदी बना करके उस गांठ में यदि बांधती हैं औरत या फिर रख देती हैं कुछ देर, अगर नियमित इसी तरह से उस गांठ में रखा जाए 2-3 दिन कम से कम, तो वह गांठ धीरे धीरे गल करके ख़त्म हो जाता है और गांठ का सफाया हो जाता है और वह पूरी तरह से साफ़ हो जाता है दोस्तों। तो यह किसी भी प्रकार के गांठ को खोलने में या फिर साफ़ करने में पूरी तरह से सक्षम है, अत्यंत प्रभावशाली है। तो इसके पत्तों को गांठ खोलने का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो आप इसका इस तरह से इस्तेमाल करके देख सकते हो। और दोस्तों अगर किसी को पेशाब करने में परेशानी होती हो, पेशाब रुक रुक कर जाता हो या फिर मूत्रकृच हो, बार बार पेशाब होता हो या फिर पेशाब में जलन हो, पेशाब खुल कर ना आता हो, तो उसके लिए भी अगर इसके पत्तियों का रस निकाल करके उसको पिलाया जाए तो उसका पेशाब खुल करके आएगा और पेशाब से जुड़ी हर समस्या समाप्त हो जाएगा। तो आप इसको पेशाब खोलने के लिए भी इसके पत्तियों का रस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज की वीडियो की जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और किसी अपने दोस्त मित्र परिजन के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चले, उनको भी स्वास्थ्य लाभ हो। और हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो चैनल में अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। हम इसी तरह की आपके लिए सोचते रहेंगे, आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही।